क्वेश्चन इज इफ द साइड आर ए बी आर पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट पी लाइन थ्रू अ पॉइंट्स पैरेलल टू सीपी मेड सीबी प्रोड्यूस एट क्यू एंड द पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर इज कंप्लीट सीन इन फिगर नंबर 9.26 so that the area of ABCD is equal to area of PBQR. हमारे पास एक जो क्वेश्चन है, पहले तो हम इसके फिगर को बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर नाइन. Here parallelogram. This is a parallelogram. This is a parallelogram. And here the name of A and this point is B. This point is C. This point is D. And here इसे हम जो है प्रोड्यूस किया है थोड़ा सा नीचे की ओर आगे इस तरीके से. एंड हेयर पैरेलल लाइंस, दिस इज द पैरेललोग्राम. एंड दिस नेम इज द क्यू एंड दिस इज आर एंड दिस इज पी एंड ज्वाइन इसे हमने ऐसे मिला दिया एंड ज्वाइन ए क्यू ए क्यू. ये सीधा आपके सामने एक फिगर बना हुआ है और इस फिगर में कहा गया है कि पैरेललोग्राम एक गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं. व्हाट इज गिवन? गिवन हियर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम. क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है. और पी पॉइंट तक हम इसको बढ़ा रहे हैं, ए बी लाइन को पी तक बढ़ाया गया है. एंड पैरेलल टू सीपी मीट सीबी, तो सीपी के पैरेलल जो है सीबी को यहाँ पर हम जो है यहाँ से मिलाने पर एक हमारे पी बी क्यू आर बन जा रहा है. पी बी क्यू आर तो कंप्लीट हो जा रहा है फिगर में पैरेललोग्राम. क्वाड्रिलेटरल पी बी क्यू आर इज पैरेललोग्राम. दिस इज आल्सो पैरेललोग्राम. दो पैरेललोग्राम है. एंड सो दैट एरिया, सो दैट टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A B C D, A B C D is equal to area of आपका P B Q R, P B Q R ये हमें प्रूव करना है. तो स्टूडेंट्स इसको हमें जो है हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन पे अपनी अपनी जो बच्चे ओपिनियन देना चाहते हैं वे अपना हैंड रेज करें. अभी ओनली जो है 3 स्टूडेंट्स का हैंड रेज है. चलिए पहले मैं क्षितिज के पास चलता हूँ. क्षितिज बोलो बेटा. क्षितिज सर, सर इस क्वेश्चन में सर हम लोग सर पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे सर, एसी को और सर पीक्यू को सर ज्वाइन कर देंगे. यस, तो यहाँ एक चीज और भी है बेटा सर, ये जो है हमारे पास सीपी जो है और एक्यू हमारा पैरेलल है सीपी के. एक्यू इज पैरेलल टू सीपी, ये भी दिया है गिवन में ही आएगा. हाँ बोलो बेटा आगे बोलिए. सर हम लोग सर उसको एसी को और पीक्यू को सर ज्वाइन कर देंगे सर, फिर सर ट्रायंगल एसीक्यू एंड ट्रायंगल एक्यूपी आर ऑन सर सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन सर. दो एरिया ट्रायंगल एसीक्यू दैट इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल एपीक्यू. तो फिर सर एरिया ट्रायंगल ए सी क्यू माइनस एरिया ट्रायंगल ए बी क्यू. सर एरिया ट्रायंगल ए सी क्यू माइनस एरिया ट्रायंगल ए बी क्यू दैट इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू माइनस एरिया ट्रायंगल ए बी क्यू. आएगा सर एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल क्यू क्यू बी पी. इक्वेशन नंबर सर फर्स्ट हो जाएगा जी. सर एसी और पी क्यू सर डायगनल, सर ये डायगनल है एक सर पैरेललोग्राम के सर डायगनल्स हैं. सर ए बी सी डी और पी बी क्यू आर के सर डायगनल्स हैं एसी और पी क्यू. तो फिर हो जाएगा सर एरिया ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्वल्स टू हाफ एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. इक्वेशन नंबर सर सेकेंड हो जाएगा सर एरिया ट्रायंगल QBP दैट इज इक्वल्स टू हाफ एरिया PBQR. सर इक्वेशन नंबर सर थर्ड हो जाएगा. सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सर वी गेट हाफ एरिया ABCD
इज इक्वल टू हाफ एरिया पी वी क्यू आर. सो एरिया एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू पी वी क्यू आर. चलिए ठीक है बेटा. चलिए वरुण जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं बोलिए फटाफट जल्दी से शॉर्ट में कम समय में. यस सर. यस सर. यस सर. हमको पता है सर एबीसीडी और सर जो बी पी क्यू आर है सर हमारा ये पैरेललोग्राम है. तो सर हम सबसे पहले ए पी क्यू और सर ए सी क्यू जो हमारे ट्राइंगल है सर हम करेंगे कि दे आर ऑन द सेम बेस ए क्यू एंड बिटवीन सेम पैरेलल ए क्यू एंड सी पी. सो देयर फोर एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल आर इक्वल एंड दे आर ऑल्सो इक्वल. तो सर हम इसमें से क्या करेंगे जो कॉमन है सर ए बी क्यू सर उसे हम माइनस कर देंगे दोनों में से. तो माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ट्राइंगल पी बी क्यू फर्स्ट इक्वेशन. सर हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम है दो अगर हमने सर उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ए सी जो हमारा सर ए सी और पी क्यू को जोड़ देंगे सर वो दोनों डायगोनल होंगे सर इसके. और हमें पता है डायगोनल क्या कहते हैं इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं पैरेललोग्राम के. तो सर इससे हमारे जो दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे सर. यस सर. तो हमारा जो एसी एंड पीक्यू डायगोनल हो जाएंगे एबीसीडी के. तो सर हमारा जो पीबी क्यूआर और सर तो एबीसी जो होगा वो हाफ हो जाएगा एबीसीडी का और सर पीबी क्यू जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा पीबी क्यूआर का सर सेकंड इक्वेशन. अब सर दोनों ट्राइंगल हमारे इक्वल है तो सर उनके हाफ जो मतलब हाफ है सर एबीसीडी और हाफ पीक्यूआर वो भी इक्वल होंगे. तो सर हाफ हाफ कैंसिल हो जाएंगे एबीसीडी इक्वल टू पीबी क्यूआर हेंस प्रूव. करेक्ट. ये अभी अपूर्व महेश्वरी कुछ कहना चाह रहे हैं. अपूर्व महेश्वरी यस सर. जॉइन एसी एंड पीक्यू सिंस एसी एंड पीक्यू आर द डायगोनल. मतलब जो वरुण भैया ने बताया है आप बिल्कुल सेम बता रहे हैं कुछ अलग है आपके पास सर. सेम है. सेम है ना. मतलब आप भी एसी को और जो है बीपी को आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस अपनाएंगे. ठीक है. ओके ओके बेटा थैंक यू बेटा कोई बात नहीं. अभी क्या है कि हम लोग जो है ये सही बोला इन्होंने अभी बहुत से क्योंकि अभी देयर आर 45 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड. 45 बच्चों में से केवल दो तीन के ही हाथ उठ रहे हैं. इससे हमें मालूम चल रहा है कि बहुत सब बच्चों को नहीं समझ आ रहा है. कुछ ही बच्चों को जो है क्लियर हो रहा है और वे समझ के काम कर रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसा बताया इन्होंने कि ए से हमने जो है सी को मिलाया और यहाँ से बी से पी को मिलाया. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए सी कॉमा क्यूपी हमने इसको मिला दिया. अब यहां लिखेंगे प्रूफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ए क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी क्यू बोथ आर ऑन सेम बेस and between same parallel. ये हमारा जो इक्वेशन नंबर वन हो गया. ठीक है. यानी कि अगर हमारे पास जो है ए क्यू सी ये जो ट्रायंगल है और यहाँ पर ए पी क्यू ट्रायंगल है ये सेम बेस इक्वल पर है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है. तो यहाँ पर वी कैन सबट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू फ्रॉम बोथ साइड फ्रॉम लैंग्वेज में इसको चेंज कर दे रहा हूं. बोथ साइड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से तो हमारे पास हो गया एरिया ऑफ ए क्यू सी माइनस एरिया ऑफ ए बी क्यू एंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ यहाँ पर आपके पास हो गया ए पी क्यू माइनस का एरिया ऑफ ए बी क्यू. तो देख रहे हैं कि इसमें से ये छोटा ट्रायंगल इसके लिए माइनस करेंगे क्या हो जाएगा ए बी सी बचेगा. एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ यहाँ पर हो जाएगा ये हमारे पास जो है क्यू बी पी. तो ये हो गया क्यू बी पी. ठीक है. इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाई टू इन इक्वेशन नंबर 2 में तो हमारे पास 2 एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ क्यू बी पी. ठीक है. अब हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ये ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ क्यू बी पी प्लस एरिया ऑफ क्यू बी पी. हमने इसको दो दो बार लिख दिया. ठीक है. अब यहां हम जानते हैं देखिए कि यहां पर एसी इफ एसी इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी
एरिया ऑफ आपका जो है ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी के, एंड इफ यहां पर क्यू पी इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, आपके पास जो है बी क्यू आर पी, तो यहां पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ आपका जो है क्यू बी पी और इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यू आर पी, क्यू आर पी। अब ये दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम भर देंगे। तो यहां पर सो एबीसी को लिख सकते हैं हमारे पास एरिया ऑफ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी, और यहां पर एरिया ऑफ क्यू बी सी क्यू बी पी प्लस एरिया ऑफ क्यू आर पी, फिर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ आपके पास जो है ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर के, जिसे हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और इसे हमने जो है यहाँ पर प्रूव हमने इसे जो है प्रूव करके दिखाया है। सिंपल सी बात है कि डायगोनल है, डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का हमेशा दो बराबर एरिया में बांटता है, तो यहाँ पर हमने दोनों के कंसेप्ट को यहाँ दो लाइन में सिंपली रूप में दिया है, और यहाँ पर हमारे पास जो है हमने इसे जो है आपके सामने से बोल दिया। अभी इसमें जो भैया अपूर्व मैसेज कुछ कहना चाह रहे हैं, अपूर्व कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? नो सर, उस क्वेश्चन के इस क्वेश्चन को बताने की चाह। अच्छा अच्छा, तो ये तो हमारा 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम डिस्कशन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 को पहले मैं बोल देता हूं। लिखा है डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी विद एबी इज पैरेलल टू डीसी। ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम कैसा होगा, इस तरीके से हमारे पास जो है एक ऐसे बना लेंगे हम, ये हमारे पास ट्रेपेजियम है, हियर द ए एंड बी एंड सी एंड डी, एंड ट्रेपेजियम ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड प्रूव दैट ए ओ डी, यानी गिवन क्या है, गिवन है ए बी इज पैरेलल टू DC, ये जो लाइनें पैरेलल है, ट्रेपेजियम में पैरेलल लाइन होती है, और AB इज पैरेलल टू DC हमने लिख दिया, और साथ में टू प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, तो प्रूव करना है एरिया ऑफ AOD, एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ यहाँ पर BOC, BOC के, और ये जो है इसके प्रूफ पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को पहले सुनते हैं फिर इसके बाद हम बताएंगे। अभी 47 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड, अभी हमारे पास 47 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, 48 की संख्या हो गई, बहुत जल्दी 50 होने वाली है। चलिए तो इस बार जो है पार्थ होली को मौका देते हैं। पार्थ होली भैया बताएं। सर हम सबसे पहले ना डायग्राम बना लिया, हम सबसे पहले ट्राइंगल DAC ले लेंगे और ट्राइंगल DBC। यस सर। ओके, और डीबीसी और सर ट्रायंगल डीबीसी ले लेंगे जो सेम बेस में, और सर जो सेम बेस डीसी में लाए कर रहे हैं और सेम पैरेलल एबीडीसी में लाए कर रहे हैं, तो उनका एरिया भी, तो सर जो एरिया ऑफ डीएसी हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ डीबीसी का, वैसे फिर एरिया ऑफ जो डीएसी माइनस डीओसी कॉमन ले लेंगे, उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीओसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीओसी। चलिए वरुण जोशी, हैंड्स प्रूफ ट्रायंगल एरिया ऑफ एओडी इज इक्वल। सर सबसे पहले इसके बारे में, यस सर, सर हम दो ट्रायंगल लिए सर, बताने में कुछ कमी रह गई हो तो आप बताएं। नो सर, सर बताएं सर, ये सर इसमें ट्रायंगल लेंगे हम, एक एसीडी और एक सर बीसीडी लेंगे सर, जो सर सेम बेस में है ही नहीं सर, ए सर ए एसीडी सर, एसीडी और सर एसीडी है सर, बीसीडी लेंगे सर जिसमें जो सर दे हैव अ सेम बेस डीसी एंड सर दे आर बिटवीन सेम पैरेलल एबी एंड डीसी, सो देयर एरिया आर इक्वल सर, तो एरिया ए ऑफ डीएसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ बीसीडी सर, तो इससे हम सबट्रैक्ट कर देंगे सर जो इसमें कॉमन है सर डीओसी को, सर डीओसी को जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो सर हमारा हो जाएगा कि ट्रायंगल डीएसी माइनस डीओसी इक्वल्स टू ट्रायंगल सीबीडी माइनस डीओसी व्हिच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एओडी। अग्रवाल इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं, अग्रवाल बोले।
यस सर। हाँ सर बताएं। सर टेंथ वाला क्वेश्चन। हाँ सर बिल्कुल टेंथ वाला बताइए सर। एसी एंड पीक्यू आर जॉइंड एरिया ट्रायंगल एसीक्यू इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल एपीक्यू ऑन द सेम बेस एक्यू एंड पीक्यू बेटा। वेयर इज पॉइंट पी? लाइंस एक्यू एंड सीपी। वेयर इज पॉइंट पी? सर बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन कर दिया आपने तो कंस्ट्रक्शन तो बताओ बेटा क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे। अथर्व गलती से मैंने टेंथ वाला बता दिया। टेंथ वाला ही पूछ रहा हूँ बेटा। टेंथ क्वेश्चन आप कुछ और क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके बेटा कोई बात नहीं। चलिए जय बारा कोटी कहना चाह रहे हैं। सर टेंथ वाला बताऊं? यस सर। जी जी सर बोले। हाँ वो बिल्कुल सर बोलिए। टू प्रो ट्रायंगल डीएसी एंड डीएबी डीएसी लाई ऑन द सेम। सर मैं बोलने ही नहीं दे रहा सर। सेम पैरेलल एबी एंड सीडी। मैंने सही अथर्व भैया के एक्साइटमेंट को मैं समझ रहा हूँ। अथर्व भैया देखिए क्या होता है ना कि जब हमें कोई क्वेश्चन आता है तो हम चाहते हैं अधिक से अधिक सबसे पहले मौका जो है हमें मिले। ठीक है। और जहां पे मामला जैसे मान लीजिए कुछ 90% से नीचे रहता है 70-80% आ रहा है वहां पे थोड़ा सा जो है हर व्यक्ति बचता है। तो अथर्व भैया को आ रहा है क्वेश्चन इसका मतलब ये तेजी से दूसरे का जो है बोलने में अतिक्रमण। डिबेट देखते हैं आप लोग टीवी पे जैसे yes, आप sir. देखते होंगे कि जो है संबित पात्रा किसी के बारे में कुछ अगर बोल रहे हैं तो तब तक जो बाकी कोई कांग्रेस का आ गए तो वे जो है उनको बोलने नहीं देते उनका इतनी आवाज हल्ला करते हैं कि उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। तो वो थोड़ा सा डिबेट वाला जो है वो टीवी पर ठीक लगता है बेटा। यहाँ पर हमारा मेन ये उद्देश्य है ना कि मैं ये देखूं कि कम से कम आप जब बोलोगे ना तो चार बच्चे आपको सुन करके उनके अंदर भी फीलिंग आएगी कि नहीं ये बालक बोल रहे हैं तो क्या मैं नहीं बोल सकता क्या। तो वे भी जो है आगे आए इसलिए मैं ये काम कराता हूँ। ठीक है ना बेटा। तो दो तीन क्वेश्चन आराम से हम लोग का हो जाता है और बच्चे कुछ तो कम से कम सुनकर बोलेंगे। तो अभी इसमें जो है जय बाराकोटी को थोड़ा आप लोगों ने अतिक्रमण कर दिया। जय बाराकोटी मान लो अब सीधे साधे हैं सब लोगों ने इनको दबा दिया। ये गलत बात है बेटा। किसी को ये जीवन सबका ये जो है संसार सबके लिए इक्वल है। ठीक है ना। राइट टू इक्वलिटी। तो ये जो है ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा और जो है हाँ ये बोलिए जय बाराकोटी भैया बोलिए आपको मौका देना चाह रहे हैं। To prove area of triangle AOD is similar. AOD is equal to area of triangle BOC. Proof hence, proof for a triangle ABC and triangle AD ABD being on the same base AB. जी. And between the same parallel line AB and DC. Area of triangle ABD equal to area of triangle ABC on subtract. On subtracting or area of triangle AOB from both sides we get area of triangle ABD minus area of triangle AOB is equal to area of triangle. आपने इसमें जो है AOB को माइनस किया। Yes sir. हाँ चलिए कोई बात अच्छी बात है कुछ नया आपने अलग करके दिखा। इसमें जो है भैया एक वैभव नारायण इसमें हमारे सामने जुड़े हुए हैं। वैभव नारायण आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? यस सर। यस सर बताते हैं सर। ये जैसे ये वरुण भैया ने और जय बाराकोटी भैया ने जो बताया है उससे अलग कुछ बताना चाह रहे हैं आप? यस सर बताते हैं सर। तो इसमें सर दो ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल बीडीसी और सर वो दोनों जो है वो सेम बेस पे लाई कर रहे हैं डीसी और वो दोनों सर ट्रायंगल जो है वो सेम पैरेलल में है सर एबी और बीसी के। तो अगर कोई ट्रायंगल सर सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल में हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। सर इससे हम लोग लिख देंगे AR ADC equal AR sir BDC। तो सर दोनों साइड हम लोग DOC सर सब्ट्रैक्ट करेंगे सर दोनों साइड। चलिए चलिए हो गया समझ गया। तो देखिए ये जो है हमारा सही था। हां नहीं अभी सबका जो है मोटिव एक ही जैसा था क्योंकि एक ही चीज को मैं अगर 10 बच्चों से सुनूंगा तो सेम रिजल्ट आना है। और कभी कई बार कोई जो है डीसी बेस ले रहा है कोई एबी बेस ले रहा है और ट्रायंगल घूम फिर करके वही है। ठीक है। तो आइए जल्दी से इसको हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल बना लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ए डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। बी डी सी यहां लिखेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर वन बोथ आर ऑन सेम बेस डी सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल
यहाँ पर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। तो इक्वेशन वन, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड एरिया ऑफ डी ओ सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, तो यहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी सी माइनस एरिया ऑफ डी ओ सी और एरिया ऑफ बी डी सी माइनस एरिया ऑफ डी ओ सी। अब जो हम देख रहे हैं कि इस पूरे में से ये जो नीचे वाला पोर्शन हटेगा तो क्या बच जाएगा, ए ओ डी बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी के, और ये हमारा जो रिजल्ट है आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अगर सेम बेस डीसी लेंगे तो ये काम कर लेंगे, अगर सेम बेस आपका ए बी लोगे तो ए ओ बी को उसमें से क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये जो है हमने आपको ये क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पे बताया। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं प्रोसेस को मैं बोर्ड पर लिखता हूँ क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करवाएंगे आपसे। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है 11 नंबर, इसको आप देखें बच्चों, तो यहां हमारे पास लिखा है इन फिगर 9.27। एक हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11 है और यहां पर एक पैरेललोग्राम है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड द नेम ऑफ पैरेललोग्राम इज ABFC। And one more thing, here AEDC. तो यहाँ से आपके पास एक point है E, उसके बाद एक point है आपके पास यहाँ पर, और this point is D. And here the AF, AF join किया, and BC, B से C को join किया, and given. What is given? पहले question पढ़ते हैं, उसके बाद मालूम चलता है। लिखा है कि figure ABCD is a pentagon. ABCD is pentagon. ABCDE. A B C D E is pentagon. हमारा ये pentagon है, ठीक है। A line through a B parallel to AC, B से AC के parallel meet to DC produce F, यानी कि BC के parallel हमने जो है यहाँ पर एक लिखा गया है कि a line through B, B से होता हुआ एक line जो है pass करे parallel to AC, AC के parallel, यानी कि AC is parallel to BF. AC is parallel to BF, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर F, so that area to prove करना है, to prove या prove करना है number A, here area ACB, area ACB is equal to area ACF, ACF के, and second thing is the area of AEDF. Area of A, E, D, F is equal to area of A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. तो ये हमारे पास जो है हमने ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है, और हमारे बहुत से स्टूडेंट्स के जो है हैंड रेज हुए हैं, there are four students only. तो four students में से पहला मौका ये करके देना चाहिए, अथर पाठक को पहले सुन लेते हैं, नहीं तो फिर जो है ये फिर हमारे अन्य स्टूडेंट्स को थोड़ा डराने लगते हैं। area of ACF जी, तो सर area of triangle ABC plus area of angle triangle ACDF is equal to area of triangle ACF plus area of triangle ACDE equals to area of ABCDE equals to area of triangle AEDF। ठीक ठीक, चलिए अभी क्षितिज का सवाल बोलिए जल्दी फटाफट। यस सर, सर इसमें सर ट्रायंगल ए, सर इसमें हम लेंगे सर ट्रायंगल ए सी बी और एंड ट्रायंगल ए सी एफ, सर लाई ऑन द, सर ये सेम बेस और सेम लाइन पे सर, सर हैं सर एरिया ट्रायंगल ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए सी एफ, सर ये फर्स्ट सर प्रूव हो गया। जी
सर अभी सर सर अभी हमने सर प्रूव किया सर एरिया ट्रायंगल एसीएफ एसीबी दैट इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल एसीएफ सर अभी हमने सर प्रूव किया सर एरिया ट्रायंगल दूसरा मैं जय बालाकोटी के पास जाता आपको थोड़ा मौका मिल गया ना दूसरा जय बालाकोटी से पूछ लेता हूं जय बालाकोटी बोलिए बेटा दूसरा वाला प्रूव करिए सर दूसरा वाला बताना है ना हां बिल्कुल दूसरे वाला बताइए सर एरिया सर एरिया ऑफ AEDF is equal to area of AEBC plus area of triangle ACF is equal to area of AEBC plus area of triangle ABC from first equation equal to area of ABCDE. This is a total answer is ये चलिए वरुण जोशी को थोड़ा मौका देते हैं वरुण जोशी बताएं बेटा यस सर सर जैसे सर इन्होंने बताया कि सर जो हमारे दोनों ट्राइंगल है एसीबी और एसीएफ सर वो दोनों इक्वल है उनका एरिया इक्वल है तो सर हम क्या करेंगे सर हम इसमें जो इक्वल सर कॉमन चीज है हमारे पास है सर सीडीई सर तो इसको हम सर दोनों जगह सर ऐड करेंगे सर ये एसीडीई को सर तो जब दोनों जगह ऐड करेंगे तो सर हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए ना सर एरिया ऑफ पॉलीगन ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ पॉलीगन ए ई डी सी एफ तो सर इससे हमें पता चल जाएगा कि सर जो एरिया होगा ए बी सी डी ई का सर वो एरिया इक्वल टू हो जाएगा ए ई डी एफ के सर बहुत सुंदर बेटा चलिए तो मैं जल्दी से इसको मैं बोर्ड पर एक बार जो है प्रिंट कर दे रहा हूं मैं ताकि जो है हमारे जो हमारी तरह जो बच्चे हैं गरीब बच्चे मेरी तरह तो वे बच्चे भी थोड़ा सा इसको सीख लें तो यहां पर हमारे पास जो है प्रूफ में यहां पर देखेंगे कि ए सी इज पैरेलल टू बी एफ ठीक है तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ is equal to area of ABC. ये आप लिखेंगे equation number one. Both are on same base. Base क्या है आपका AC and between same parallel. Parallel and AC is parallel to BF. So यहाँ पर लिखेंगे adding both side area ACDE ACDE in equation number 1 तो हमारे पास हो गया area of ACF is equal to area ये plus plus area of ACDE is equal to area of ABC plus area of ACDE. तो ये हमने जो है यहाँ पर इसको दोनों को ऐड कर दिया. तो ऐड कर दिया तो ये हमारे पास जो है ये हमने यहाँ पर इसको देखा. तो यहाँ हमारे पास ये पूरा ACF और AECD. तो हमने जो है ACF का ACF इसके साथ ये पूरा मिल जाएगा. ये बन जाएगा AEDF. AEDF. Area of AEDF is equal to area of आपके पास अगर इसके साथ करेंगे तो पेंटागन मिल जाएगा ABCDE ABCDE ये हमारे पास जो है ये आपका क्या हो गया ये आपका पेंटागन है और इसको थोड़ा सा रीराइट करते हैं या और हम लिख सकते हैं इसको हमारे पास जो है एरिया ऑफ ACB is equal to area of ACF के तो आप जो है आप यहाँ पर इसे यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं तो दोनों रिजल्ट को हमने यहाँ पर बारी बारी से आपके सामने यहाँ पर दे दी. अब हम बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ सेकंड लास्ट क्या एक क्वेश्चन है हमारे पास एक मिनट का समय है मैं पढ़ देता हूँ और इसमें जो है क्योंकि जितना टाइम है उसमें हमको लग रहा है हो नहीं पाएगा दो मिनट का समय है लिख रहा हूं विलेज इतवारी हैज अ प्लॉट अ लैंड ऑफ द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इतवारी गांव में एक प्लॉट है जिसका शेप जो है क्वाड्रिलेटरल का है द ग्राम पंचायत ऑफ अ विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर टू कंस्ट्रक्ट अ हेल्थ सेंटर उसे जो है हेल्थ सेंटर बनाने के लिए जगह चाहिए इतवारी एग्री टू द अबव द proposal with a condition that the should be give the equal amount of land in
Liu of the his land adjoining the plot so as to form a triangular plot. Explain how this proposal will be implemented. So यहाँ पर जल्दी से मैं एक figure बनाता हूँ और आपको थोड़ा सा मैं इसे बताने की कोशिश करता हूँ. फिर आप सोचेंगे और जो भी problem होगी उस पर हम discuss करेंगे. तो time हमारे पास limited है. जल्दी से हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं. यह दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया. ये है ए बी सी डी. इस प्रपोजल को हमें सही करना है. इसमें हमें क्या करना होगा, कौन बताएगा? चलिए पहला मौका जो है जल्दी से वरुण जोशी के पास चलते हैं. यस सर. तो सब सबसे पहले हमें एबीसीडी हमारे पास सर एक प्लॉट दिया है. तो सर हम लेंगे एक पोर्शन ले लेंगे सर डी पॉइंट से सर, जिसे हम नाम देंगे सर ए डी ई. सर सर ए डी हम एक पोर्शन ले लेंगे. फिर उसके बाद सर हम जो एसी होगा उसे ज्वाइन करेंगे और सर एक डी से एक लाइन बनाएंगे जो पैरेलल होगी एसी के और बीसी पे मीट करेगी सर. सर उसके बाद सर हमारा एक ट्राइंगल बन जाएगा सर पी से ईसीपी. सर फिर हम देखेंगे कि डीएपी एंड डीसीपी सर जो ट्राइंगल बनेंगे वो सेम बेस पे होंगे और बिटवीन सेम पैरेलल होंगे तो सर उनका एरिया भी इक्वल होगा सर दोनों.